नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार है। देखिए, आज राग के आलाप की बात करेंगे। राग यमन का उदाहरण देंगे और बाकी और भी सारे कुछ रागों का आलाप आपको समझाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आलाप किसी भी राग का कैसे किया जाता है। हाँ, भले हर एक राग के नियम अलग होते हैं, हर एक राग का प्रैक्टिस अलग होती है, स्वर अलग होते हैं, लेकिन तरीका हर राग का एक जैसा ही रहता है। अगर आपको वो तरीका भी समझ में आ जाए तो फिर आप दो ही राग भी अपने कार्यकाल में सीख गए, बहुत बढ़िया। तो उसी से आप 20 रागों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो जाता है। और उससे पहले विशेष सूचना, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, आता है, तो फिर आप हमसे पर्सनली क्लास भी ले सकते हैं। तो आप लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए और उसको बजाने का प्रयास भी कीजिए। और उससे पहले विशेष आग्रह ये है कि अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे अंत तक, तो तभी पता लगेगा, क्योंकि इस चीज़ को सीखने में ही बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। और जब आपको देखने में ही धैर्य नहीं रहेगा तो फिर प्रैक्टिस करने में कहाँ से धैर्य आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो समझिए, आपके चांस हैं कि वास्तव में आप धैर्यवान हैं, आप सीख सकते हैं चीज़ों को। हल्का इसमें गमक आ रहा है, मीन आता है, हर स्वर को बजाने में अलग अलग टेक्सचर। नी सा, अब इन दोनों में ही कॉम्बिनेशन। अब इसके साथ एक और स्वर ऐड कर देंगे, तीनों में सा नी धा में कॉम्बिनेशन। ध ध नी ध सा सा नी ध नी। ये मंत्र सप्तक का पा है। हल्की सी बांसुरी को अपनी तरफ मुड़ाएंगे तो ये पाम ऐसे हो जाता है, बच जाता है। बैक वापस से ध ध नि ध सा सा नि ध नि।
अब हमने नीचे के सारे स्वर ऐड कर दिए हैं, अब ऊपर का स्वर रे। और कोई ज़रूरी नहीं कि हमने रे को हम इतनी देर में ही बजाएंगे, हमारा पहला फ्रेज भी हो सकता है रे सा, लेकिन अब उसे ऐड करेंगे। चलन याद रखना है कि इसमें नी रे ही जाना पड़ता है, नी सारे नहीं जा सकते। अगर आप बहुत नोटिस करेंगे तो इस राग का वादी समाधि कौन है, गा और नी है। तो नी रे करते समय हम गरे गा से गमक लेकर के आ रहे हैं। तब और भी ज़्यादा खिल करके आता है। वादी संवादी को मेल फीमेल सर्वे कहा जाता है, तो इन दोनों में और वादी संवादी का मतलब भी है आपस में बातें करवाना। तो नी से गरे सा और भी ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। या अगर आप शुरुआत में नोटिस किया होगा तो नी को जब हम बजाए उसको गनी, यहाँ से, तो वो और भी अच्छा लगता है। या कण डाल करके वो और भी स्ट्रॉन्ग अपने प्रेजेंस अपने भाव को प्रकट कर पाता है। अब आगे अब जैसे उदाहरण के लिए सा का विस्तार हो गया, अब रे का विस्तार करना है। ये क्या है, राग के स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस हैं। धनी सानी रे, गारे, अब गा इसका वादी है, वादी में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस दिखाना है। नी रे गा जिस भी स्वर का पहली बार प्रकट कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सबसे शुरुआत में सा किया तो सा को सबसे देर तक बजाया, फिर जब रे में पहली बार रे में आए तो रे को ज़्यादा देर तक हमने रे को दिखाया पहली बार में, अब गा पे आ गए तो नी रे गा, पता लग जाता कि इसे स्वर का अब हम विस्तार करने वाले हैं। नी रे गा और हर स्वर को जब हम विस्तार खत्म करते हैं तो वापस से सामे ही आकर के विश्राम करते हैं।
अब ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बार गाए जाना है, क्योंकि जितने स्वर आपके पास खुल गए हैं उनमें भी आप वापस बैक आ करके कुछ नया चीज़ दिखा सकते हैं। नहीं तो बार बार ऐसा ही लगता है कि आप एक ही स्वर को बजा रहे हैं, एक ही फ्रेज को बजा रहे हैं, रिपीटेशन लगती है, कुछ नया नहीं लगता है। तो जो पुराना बजा दिया है उन सारे स्वरों को खोल दिया है आपने, अभी गा तक खुल गया है सारे स्वर, आप इनमें कुछ नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पर अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो इस वजह से सिर्फ आगे ही बढ़ रहे हैं, नहीं तो बैक में भी आ सकते हैं, और ये कम से कम आप इसको 2 घंटे का 3 घंटे का भी बजा सकते हैं। तो अभी हमको जल्दी से जल्दी आपको समझाना है टोटल। रे गा मा गा गा का और भी विस्तार हो सकता है। अब पा पे चलते हैं, और माँ पे इसका विस्तार नहीं करना है, माँ को यूज करना है बहुत ज़्यादा। तो रे गा मा गा, जो माँ के फ्रेजेस होते हैं वो गा पर ही लैंड होते हैं, या फिर हमारे नीचे पा पे आ जाते हैं। तो अब पा के बारे पा, ये पहली बार दिखा रहे हैं पा को पा। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यही तरीका, बहुत प्रकार से अलग अलग विद्वान और अलग अलग घरानों में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया जाता है, पर स्वर कॉम्बिनेशन यही रहते हैं, क्योंकि जो राग या मन का जो चलन है उसी पर चलना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा फ्रेज है, आप अच्छे से टाइम लीजिएगा, खूब बजाइएगा। ये जो पा है ये आप अगर इसमें नोटिस करें, माधापा, ये ऐसे आए हम क्योंकि राग यमन का चलन है, उसमें माँ से धा जाया जाता है, नेरे गा मा दनी, और इसमें धा में न्यास नहीं होता। तो हम ऐसे फ्रेज नहीं बना सकते जो धा में रुके, जैसे अगर रोकेंगे तो स्वरूप बिगड़ेगा। तो ये गलत हो जाएगा, हमको धा की जगह या तो फिर नी में जाना पड़ेगा या फिर वापस पा में आना पड़ेगा। बजाएंगे जरूर, ये जो रे है पा मा ग रे ऐसा आ रहा है, और पा रे उसका मेन स्वरूप भी दिखा दिया। राग यमन की अगर आप पकड़ को देखें तो यहाँ पे पकड़ काम करती है, यहाँ पे वादी संवादी काम आ रहा है, यहाँ पे बंदिश काम आ रही है इसलिए, और यहाँ पे सरगमे काम आ रही है इसलिए, ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर आप राग यमन का बजाते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से रियाज कीजिए। और बीच बीच में थोड़ा रुकिए, ठहराओ, वो भी म्यूजिक है। अब नी के बारे में
अब ऊपर के रे में तरीका वही है जो आपने मंद्र सप्तक में बजाया है, वही तार सप्तक में। अब गा ये हमने जल्दी बजा दिया, नी रे गा नी ध नी रे गा मागा। हम माँ को भी ऐड करके ले आए, अब डायरेक्ट पा में जाना है। ग म म प रे ग, फिर बैक आना है वापस। पारे वापस से फिर नी धनी सा, फिर बैक नी पे, फिर धापे पापे, क्योंकि राग को समेटना है। पा के बाद माँ, फिर गा, फिर रे, फिर सा। पा मारे गा मेन आलाप। अब इसके बाद आता है जोड़ आलाप। तो जोड़ आलाप में हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, और इसमें अब अगर आपको और रागों का रियाज करना होगा तो एक तो उनका चलन, जैसे राग भीम पलासी, Mm-hmm.
और अवरोह अगर आपको याद हो गया, उसकी कुछ सरगमें अगर आपने रियाज़ कर ली और उसका बंदिश अगर आपको याद हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाता है। बस तरीका वही है कि पहले सा का विस्तार करना होता है, उसके नीचे के स्वरों से या ऊपर के स्वरों से पहले सा बजाना पड़ता है। फिर जब दो चार कॉम्बिनेशन, 10-15 कॉम्बिनेशन जिस हिसाब से आपको टाइम दिया गया है उस हिसाब से अगर आपको बजाना है तो आप 50 कॉम्बिनेशन बजा सकते हैं कुछ ही स्वरों में, और अगर टाइम कम है तो 5 कॉम्बिनेशन भी बजा सकते हैं। फिर ऐसे ही रे पर जाएंगे, रे को भी अलग अलग स्वरों से बजाएंगे, लेकिन चलन याद रखना पड़ेगा। हर राग का अलग अलग चलन होता है, हर राग का अलग अलग नियम होता है, हर राग के अलग अलग स्वर होते हैं, लेकिन जाते ऐसे ही हैं। पहले सा का विस्तार, फिर रे का विस्तार, फिर गा का, फिर मा का, फिर न्यास स्वरों का ध्यान रखा जाता है कि किस किस स्वरों में न्यास है। अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास राग यवन में धा पे हमने न्यास नहीं किया, ना मा पे भी नहीं किया है ना। कई विद्वान माँ पे करते हैं लेकिन कुछ नहीं भी करते हैं, तो धा पे तो अब कोई भी नहीं करते हैं, तो धा पे हमने न्यास नहीं किया। अगर करते तो राग का स्वरूप बिगड़ जाता, भले आपने कितना भी बढ़िया राग बजाया होता। तो यही नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, और एक राग के पीछे आप पहले बिल्कुल मेहनत करके पढ़िए, उसके बाद आप आराम से सीख सकते हैं, है ना। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो सीखने में तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, आप सभी को नमस्कार।